Hey guys, what's up? I hope you're doing well. So, इस वीडियो अपन बात करेंगे IIIT भोपाल के बारे में। तो चलिए फटाक से चलते हैं पेज पर, मतलब स्क्रीन पर, ताकि आपको पूरा डिटेल्स मिल पाए। तो IIIT भोपाल जो 20 इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप करने की सोची थी, राइट? कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, 5 आई थिंक सो, बाकी 15 PPP मोड में। PPP मोड में इसको एस्टेब्लिश किया गया है IIIT भोपाल को। इसमें 3 पार्टनरशिप है, 50% रेशो जो है 50%, 35% एंड 15%। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है एंड द थर्ड पार्टी पार्टनर्स जो इंडस्ट्रियल पार्टनर इनके हैं वो क्या है, RGPB है, राइट? जो भोपाल का है उनका इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप इनके साथ है, ठीक है। अब बात करते हैं जी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। जो फीस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तो इसके फीस स्ट्रक्चर जो है आपका पर ईयर लगभग, अगर मैं 10,000 रुपया रिफंडेबल को हटा दूं तो लगभग आपका पड़ेगा 4 साल का 7 लाख, 6.5 लाख के आसपास पड़ेगा लगभग, राइट? सो 6.5 लाख के आसपास का फीस पड़ेगा। और इसमें जो मैथ्स वाला शायद नहीं है, इसमें मैथ्स का फीस अलग लगेगा, आई होप सो, राइट? हाँ, हॉस्टल का अलग फीस है इनका, हॉस्टल वॉस्टल अलग फीस है, राइट? तो ये सिर्फ फीस फीस आपका लगभग 1.5 लाख रुपया, 1,65,000 रुपया पर ईयर है। और ये तो 10,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा है बिकॉज ऑफ रिफंडेबल होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मनी होता है, रिफंडेबल होता है इन जनरल, ठीक है। हालांकि मेरे कॉलेज ने मेरे को वापस नहीं किया था, मुझे बहुत खराब लगा था कि कोई बात नहीं, उन्होंने बोला कि आपने बहुत स्कॉलरशिप ले लिया है हमारे कॉलेज से, अब ये आपका हमारे कॉलेज का कंट्रीब्यूशन है। मैंने ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलो ओके। सो आते हैं जी आप प्लेसमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, और प्लेसमेंट से ही काम बनता है मैक्सिमम बच्चों का। तो प्लेसमेंट 2022 का इन्होंने काफी अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अच्छे से शो किया हुआ है, एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। तो पहले आपको मैं सरप्राइज देता हूँ, कितने इनके हाइस्ट पैकेज गया था। हाइस्ट पैकेज एक बच्चों को ही मिला था, कितना, 46 लाख, किसने दिया था, माइक्रोसॉफ्ट, सो काफी अच्छी कंपनी है। तो और सेकेंड हाइस्ट पैकेज एक बच्चों को नहीं, कितने को मिला, 14 स्टूडेंट्स को, एंड दैट इज रियली गुड, कितना, 27 से 30 लाख बाय टीक्यून, ठीक है। इनके पास फिलहाल 3 ब्रांचेस हैं, ईसीई है, सीएससी है, एनआईटी है, ओके। एंड बात करते हैं कौन कौन से कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था जो इसमें आपका कैंपस प्लेसमेंट में। तो टोटल कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट आए थे 88, राइट? काफी अच्छा कंपनीज है, राइट? जिसमें लगभग सारे आईटी, सीएससी और ईसीई के ऑल अराउंड लोग यहाँ पर थे। आप देखेंगे जो पॉपुलर कंपनी जिनको आप जानते हैं, राइट? फ्री चार्ज हो गया आपका, एलएनटी हो गया आपका, मैथ्स वर्क्स, सिस्को एंड कैपजीमिनी, उसके बाद एनवीडिया, कॉग्निजेंट, विप्रो, एसेंचर, राइट? उसके बाद टीसीएस, एयरटेल एंड हो सकता है मैं कुछ इरिक्सन, कुछ हो सकता है आप जानते हैं, मैंने मतलब मैं इतना अच्छे से उनसे फैमिली नहीं हूँ। जियो आई हुई थी एंड जाइकस, उसके एंड इसमें और कुछ तो मैकिनले है, राइस, HCL आई हुई थी, उसके बाद HCL यहाँ पर दोबारा, ITC आई हुई है, और माइक्रोसॉफ्ट एंड फ्लेयरसॉफ्ट, राइट? और एक है टिकियन, टिकियन ने काफी अच्छा पैकेज दिया है। सो 88 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। अब देखते हैं जी कितने, मतलब कितने बच्चे थे, कितने बच्चों ने वहां पर रजिस्ट्रेशन करा, कितने का प्लेसमेंट हुआ, कितने परसेंट बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, वो हम देखेंगे। टोटल बच्चे इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने थे, 41। वहां पर शायद ये क्या होगा, पार्टिसिपेशन मतलब क्या, मेरे हिसाब से एलिजिबल मैं बोलूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पर कुछ और मीनिंग भी निकलता है, मतलब बैठे प्लेसमेंट के लिए ये मीनिंग भी निकलता है। 31 लोगों ने बैठा, 22 लोगों को ऑफर मिला, और टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स कितना है, 44 है। मतलब एक बच्चों को दो ऑफर मिला है जिनका जॉब लगा है, एक बच्चों को दो दो ऑफर, मतलब दो कंपनी से ऑफर मिला है। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट 71%। सीएससी में 58 स्टूडेंट्स थे, 50 लोग पार्टिसिपेट करे, 47 को क्या मिला, जॉब मिला, और टोटल ऑफर्स कितने मिले आपका, 102, मतलब एक बच्चों को दो से ज्यादा का ऑफर मिला है, एंड दैट इज रियली ग्रेट। ईसीई में 9,30,000 का आपका एवरेज पैकेज था, सीएससी में 14 लाख का एवरेज पैकेज, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 39 बच्चे थे, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा भाई हम प्लेसमेंट के लिए, 34, 24 लोगों का जॉब लगा,
ऑफर्स कितने थे? 63 थे। मतलब औसतन एक बच्चे को लगभग 3 ऑफर्स था, 3 कंपनी से ऑफर था। क्रेजी है। और ऐसे ही अच्छे कॉलेजेस में प्लेसमेंट होता है, और ऐसे ही दिखाया जाना चाहिए हर एक कॉलेज को, चाहे IIT हो, कोई भी कॉलेज हो। ये ACT को रूल बनाना चाहिए कि भैया ये दिखाओ अपने कॉलेज के वेबसाइट में ये सारा चीज, ताकि बच्चे फालतू टीवी एड के चक्कर में ना पड़े। ये हो गया ना जिस दिन, तो बच्चों का भविष्य चेंज हो जाएगा, मजा आ जाएगा उनका लाइफ में, वो भी धोखे में नहीं रहेंगे। इसके बाद कितने परसेंट बच्चों का प्लेसमेंट हुआ? 70% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। एवरेज पैकेज CSC से भी ज्यादा था। कितना था? 16 लाख। ठीक है, तो टोटल एवरेज कितने? 13 लाख, 13.5 लाख का एवरेज पैकेज है। ओवरऑल परसेंटेज कितने बच्चों का जॉब लगा? 80% जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड मेरे हिसाब से काफी अच्छा डेटा है, बहुत अच्छा कॉलेज भी बोलूंगा इस चीज को मैं फिलहाल, है ना। बिकॉज आप बोलोगे सर कैसे बहुत अच्छा कॉलेज बता रहे हो, ये तो बहुत सारे बच्चों को जॉब नहीं लगा। भाई ऐसे ही होता है, पढ़ोगे नौकरी कहाँ से मिलेगा? 88 कंपनीज आ रही मेरे भाई, 88 कंपनीज आओगी आ रही है, समझ रहे हो। तो आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे नौकरी तो लग ही जाएगा। अगर एक बच्चे को दो दो ऑफर मिलता है, तीन तीन ऑफर मिल रहा है कहीं, तो आप एक ऑफर तो ले ही सकते हो, अच्छे से ऑफर डालोगे तो, है ना। मेरे हिसाब से अच्छा इन्होंने दिया हुआ है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये बहुत से कॉलेजेस इस तरह का एफर्ट डाल के इस तरह का डेटा हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट्स रियली कूल, बहुत अच्छी बात है। ये अप्रोक्स बता रखा है, बट जो भी हो बहुत अच्छा डेटा है। तो ये था पूरा IIIT भोपाल का। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।